हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट 4IQ में। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए दोस्तों, UPPCS जे का प्रीलिम्स आप लोगों का हो चुका है। रिजल्ट का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, बिकॉज मेंस की एग्ज़ाम डेट कैलेंडर में UPPSC के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेंशन कर दी गई है एग्ज़ाम में। तो इसी को लेकर काफ़ी विद्यार्थियों में, इवन सभी के हलचल मची हुई कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ सकती है या यही डेट रहेगी। इसी बारे में पूरी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ में प्रीलिम्स का रिजल्ट आप लोगों का कब तक आएगा और कट ऑफ के बारे में भी मैं इसमें थोड़ी बात आप लोगों से करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। और आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें साफ साफ मेंशन हो रखा है कि PCSJ का जो रिज़ल्ट है वो अगले सप्ताह तक आ जाएगा, ठीक है। यानी आप लोगों का 10 से 15 बीच 15 तक रिज़ल्ट आने की संभावना है। उससे पहले भी रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि अपर PCS यानी PCS 2016 के जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें सदस्य जो हैं विजी होने का कारण इन्होंने बताया है। और नियमित तौर पर जो शुक्रवार को बैठक होने वाली थी उसमें ये परिणाम नहीं निकाला गया, लिहाजा अगले सप्ताह के लिए ये बात टाल दी गई है, ठीक है। इससे अभ्यर्थियों में भी आक्रोश बढ़ रहा है, बिकॉज मेंस की डेट को लेकर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। न्यूज़पेपर की कटिंग है प्रयागराज के, तो इसमें आप देख सकते हैं। एक दूसरी न्यूज़ और आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, रिजल्ट में देरी पर मेंस में फंसेगा पेच। बिल्कुल ये बात ये है, क्योंकि कम से कम 20 या 21 डेज होने चाहिए मेंस रिजल्ट के बाद में। अगर आप लोगों का प्रीलिम्स रिजल्ट लेट आता है तो डेफिनेटली डेट आप लोगों की जो 30 जनवरी 31 जनवरी और 1 फरवरी है उससे आगे हर हाल में यानी 100% आपका मेंस खिसकेगा, ये आगे जाएगा। डिपेंड करता है कि आयोग कब रिजल्ट आप लोगों का दे। तो इसमें खबर पढ़ लेते हैं कि UPPCS-J के अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह जारी कर सकता है, ठीक है। आयोग के कैलेंडर में मुख्य परीक्षा 30 जनवरी में प्रस्तावित है। मुख्य परीक्षा के लिए पर्याप्त समय न मिल पाने के कारण अभ्यर्थी परीक्षा तिथि बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कुछ परीक्षा के आयोजन में पेच फंस सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी बन गई है, मींस आपका 15 से 20 दिन मींस की डेट आगे जा सकती है, लेकिन अभी इसमें कोई सियोरिटी वाली बात नहीं है, ये भी याद रखें। हालांकि आयोग किसी भी सूरत में मुख्य परीक्षा को तिथि बदलने को तैयार नहीं है। आयोग ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है कि एग्ज़ाम मींस की डेट आगे नहीं जाएगी, ठीक है। आयोग के अफसर कह रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर अंतिम चयन परिणाम जारी किए जाने तक सभी कार्यक्रम निर्धारित किए जा चुके हैं और आयोग इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दे चुका है। बिकॉज मैं आप लोगों को बताऊं, जब ये वैकेंसी 610 आई थी तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगी थी, क्योंकि यहाँ पर जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी सिस्टम है, वहाँ पर जजिस की काफ़ी कमी थी। इसी को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को 610 वैकेंसियों का अधिचयन भेजा था और इसमें कहा गया था कि मई जून तक इन्होंने निपटा कर एक जुलाई से इनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। ये हल्फनामे में सरकार ने और आयोग ने दिया था सुप्रीम कोर्ट को, जब अपने प्रोमिस में इन्होंने बोला था, और वही सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने रिपोर्ट दे दी है। तो आयोग हर शुक्रवार की बैठक होती है, लेकिन इसमें परिणाम भी घोषित किए जाते हैं। लेकिन इस बार आयोग के सदस्यों के PCS जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें व्यस्त होने के कारण 4 जनवरी को बैठक नहीं हो सकी। ऐसे में PCS-J प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम है घोषित होना मुश्किल लग रहा है। अभ्यर्थियों को परिणाम के लिए अगले हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ सकता है, ठीक है। यानी 4 तारीख है अब, आप लोगों को कम से कम ये 6 या 7 दिन और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ संतोषजनक रिजल्ट की बात आएगी। लेकिन आप अभी अपने दिमाग में 1% ऐसा ना रखें कि आपका मेंस जो है वो आगे जाएगा। इन बातों से सब कंक्लूजन ये निकलता है कि मुख्य परीक्षा जो है वो 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को ही निर्धारित है और तभी होगी। आप अपनी जो पढ़ाई है, अपना जो स्ट्रेटजी है, सिर्फ 31, 31 और 1 फरवरी के हिसाब से निर्धारित करके अपनी परीक्षा में तैयार हो जाएं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रिजल्ट आपका अगले वीक आ ही जाएगा, लेकिन आप इस भरोसे ना बैठें कि परीक्षा मेंस एग्ज़ाम आपके आगे जाएगा। अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है तो रिजल्ट जब आएगा तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन आपके पास टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी गवारा ना करें टाइम को, और अपनी तैयारी बिल्कुल सीरियस तरीके से करते रहें।
हैं, जो भी लोग मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है, इसलिए मैं सभी से कह रहा हूँ कि जो भी क्वालिफाइंग कर रहे हैं जिस जिस कैटेगरी में, वो भी तैयारी करते रहें, क्योंकि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। अगर 1% आप लोगों का नंबर नहीं आता है तो एपीओ और नेक्स्ट वैकेंसी में आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। इवन आप मेजर सब्जेक्ट तो पढ़ते ही रहें, उनकी तैयारी करते रहें मेजर सब्जेक्ट की। जैसे आप लोगों के जितने भी मेजर सब्जेक्ट ला के साथ में करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर तक ही पढ़ते रहें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, स्पोर्ट्स हो गया, मीटिंग हो गई, विदेशी दौरे हो गए, इन सबको आप अच्छे से कर सकते हैं। साथ में स्कीम भी पढ़ सकते हैं और साथ में आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर लें और इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करते रहें घर पे थोड़ा बहुत। ये आप लोगों को बेनिफिट रहेगा और आप बाद में अगर आप मेंस में आ जाते हैं तो आप लोगों को पछतावा भी नहीं होगा कि हमारा टाइम बर्बाद हो गया। तो ऐसे वो लोग जो बॉर्डर लाइन पर हैं बिल्कुल, उन्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है, एक कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं होगा कि नहीं होगा, उन लोगों के लिए पर्सनली सजेस्ट है कि आप लोग तैयारी में लग जाइएगा। इवन अगर आपका हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो आपकी ये जो पढ़ाई है कभी बेकार नहीं जाएगी। आने वाले एग्ज़ाम में और आने वाली परीक्षाओं में आप लोगों के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण पढ़ाई होगी, बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम पर तैयारियाँ नहीं होती हैं, एग्ज़ाम से पहले की गई तैयारियाँ ही हमेशा एग्जाम में मार्क्स दिलाने का मुख्य कार्य करती हैं। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा की तिथि पहले से ही निर्धारित है, आप लोगों को पता है, तो आप इसके करें, रिजल्ट आपका अगले यानी 10 से लेकर 15 के बीच में आ जाएगा या 10 इनसे पहले ही आ जाएगा, ये मतलब मैं लास्ट बता रहा हूँ। ठीक है, और तैयारी बिल्कुल करते रहें। जो भी लोग PCSJ पेपर फर्स्ट मेंस के लिए ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, पेड ग्रुप है, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ और पेपर फर्स्ट की मैं तैयारी करा रहा हूँ, उसका नंबर आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप लोगों की हैं और कट ऑफ भी बिल्कुल कम जाने वाली है, काफ़ी लोगों से मुझे फीडबैक मिल रहा है, काफ़ी कमेंट्स आ रही हैं, लोग बता भी रहे हैं पर्सनली, तो कट ऑफ आप लोगों की काफ़ी कम जाने वाली है क्योंकि 610 वैकेंसी है, निगेटिव मार्किंग है, 38,000 बच्चों ने मुश्किल से एग्ज़ाम दिया है, सेकेंड पेपर भी छोड़ा है बच्चों ने, तो इसी को देखते हुए लगभग ये 6500 से लेकर 7000 बच्चे पास करेंगे मेंस के लिए, तो काफ़ी इस पर असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहिएगा और जो भी इंटरेस्टेड हो पेड ग्रुप के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी कभी नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स लाना है तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ही डिसाइड करता है आपकी अच्छी रैंक और सिलेक्शन होने के लिए, तो आप इसके लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट PDF वगैरह शेयर करते रहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी कोई आपका विचार है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिएगा। थैंक यू सो मच, गुड लक।